हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। टुडे वी आर हेयर टू डिस्कस अबाउट क्लास 9th एसएसटी सोशल साइंस वर्कशीट नंबर 24। टुडेज वर्कशीट इज क्वाइट इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग वन। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रशियन रेवोल्यूशन, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। बहुत आसान और बहुत मज़ेदार है। इन दिस वर्कशीट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कंटेंट फर्स्ट, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स, उनको हम डिस्कस करेंगे। एक अलग से वीडियो भी इस चैनल के ऊपर अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए, जिसमें केवल सॉल्यूशन है वो डिस्कस किए गए हैं। नाउ लेट्स बिगिन। एज इट इज विजिबल ऑन योर स्क्रीन, दिस इज द वर्कशीट नंबर 24, सब्जेक्ट सोशल साइंस हिस्ट्री, एंड डेट इज 29th ऑफ अगस्त 2020। सोशलिज्म इन रशिया। इन 1871 पेरिस कम्यून वॉज फॉर्म्ड। पेरिस कम्यून है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो गठित किया जाता है। कहाँ पे? पेरिस में। ओके, एंड इन दैट पेरिस कम्यून पीपल फॉर्म्ड द पीपल्स गवर्नमेंट इन पेरिस। पेरिस में एक लोगों की सरकार बनाते हैं। कौन? आम लोग। एंड वट वॉज द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट पेरिस कम्यून? दैट इंस्पायर्ड द पीपल। किन को? द इंस्पायर्ड द सोशलिस्ट फॉर टू फॉर्म ए सोशलिस्ट गवर्नमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। यानी कि इससे क्या फ़र्क पड़ा कि पूरे विश्व में जो सोशलिस्ट थे उनको मोटिवेशन मिला टू फॉर्म द सोशलिस्ट गवर्नमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। आफ्टर द रेवोल्यूशन ऑफ 1905 जार परमिटेड टू क्रिएट ड्यूमा एंड द रशियन पीपल वर इंट्रोड्यूस्ड टू द पोलिटिकल राइट लाइक राइट टू वोट। रशियन रेवोल्यूशन 1905 दैट वॉज ए फेलियर, जो फेल रही थी। उसके बाद दो बदलाव आते हैं रशिया में। फर्स्ट द ड्यूमा वॉज क्रिएटेड। ड्यूमा क्या है? रशियन पार्लियामेंट, रूस की संसद है। एंड सेकेंड द पीपल वर गिवन द राइट टू वोट, लोगों को वोट डालने का राइट मिल जाता है। बट एट दैट टाइम आफ्टर दैट रेवोल्यूशन पीपल वर नॉट सेटिस्फाई विद जार। जार से खुश नहीं थे। क्यों खुश नहीं थे? ड्यू टू द डिफीट बाय द जापान। जापान जैसा देश है वो रशिया को हरा देता है। सेकेंड अनार्की इन द आर्मी। आर्मी पीपल वर ऑल्सो नॉट हैप्पी विद द डिसीजंस ऑफ द जार टू टेक पार्ट इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उससे वो भी खुश नहीं होते हैं। एंड कॉमन पीपल लाइक फार्मर्स लेबर्स देयर कंडीशन वर टू पैथेटिक, उनके हालात भी खराब थे। सो दे वर टू नॉट हैप्पी विद द गवर्नमेंट और द जार। आफ्टर द अनसक्सेसफुल रेवोल्यूशन ऑफ 1905 न्यूली फॉर्म ड्यूमा, वहाँ पे जैसे 1905 में जो अनसक्सेसफुल रेवोल्यूशन होती है तो दो बदलाव आए थे, एक था ड्यूमा क्रिएट किया गया था। बट ड्यूमा एंड गवर्नमेंट हैड कंटिन्यूस ट्रसल्स, उनमें रस्साकसी चलती रहती है। एंड कंट्रोवर्सीज कंटिन्यूड देयर, कंट्रोवर्सी भी चलती रहती है। इससे क्या होता है कि बोथ ड्यूमा एंड गवर्नमेंट बिकम वीक, दोनों कमज़ोर हो जाते हैं। एंड इन 1912 आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ फोर ड्यूमा, सून आफ्टर दैट इन 1914 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट, पहला विश्व युद्ध वो शुरू हो जाता है। एंड रशिया डिसाइडेड टू टेक पार्ट इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भाग लेना है, उसका डिसीजन लेता है। एंड पीपल एनोयड ड्यू टू दैट डिसीजन, लोग और ज़्यादा नाराज हो जाते हैं। क्यों? बिकॉज ऑलरेडी हंगर वॉज देयर, स्टारवेशन वॉज देयर, ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट वॉज देयर, पीपल वर नॉट सेटिस्फाइड द गवर्नमेंट एंड रशिया डिसाइडेड टू टेक पार्ट इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और ज़्यादा गुस्सा फैल जाता है। सो आफ्टर सम टाइम्स द पीपल केम ऑन द रोड्स। इन मार्च 1917 पुअर हंग्री अनकंट्रोल्ड पीपल थ्रोंग द स्ट्रीट्स ऑफ पेट्रोग्राड, लोग सड़कों पर उतर आते हैं। एंड एट दैट टाइम दैट मोमेंट वॉज लेड बाय द सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी, वो लेड करती है। एंड सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी डिवाइडेड इटसेल्फ इन टू द टू ग्रुप्स। सोशलिस्ट वर्कर जो वर्कर्स पार्टी है वो खुद दो भागों में बंट जाती है, बोल्शेविक एंड मेन शेविक। बोल्शेविक वर इन द मेजोरिटी वाइल द मेन शेविक वर इन द माइनॉरिटी। अब दोनों में डिफरेंस क्या था? बोल्शेविक बिलीव्ड दैट देर इज ए नीड फॉर ए रेवोल्यूशन, कि एक क्रांति की जरूरत है, वाइल द मेन शेविक बिलीव्ड और वर इन द फेवर ऑफ ग्रेजुअल पोलिटिकल रिफॉर्म्स, कि धीरे धीरे सुधार होने चाहिए, एंड ऑल्सो इन द फेवर ऑफ पार्टिसिपेटिंग पार्लियामेंट्री इलेक्शंस। तो इन दोनों में डिफरेंस था, वो क्रांति चाहती थी और ये चाहते थे नहीं, धीरे धीरे रिफॉर्म्स होने चाहिए। अमिड स्ट्राइक्स प्रोटेस्ट एंड रिवोल्ट ऑफ आर्मी जार एडिक्टेड द पावर। जार क्योंकि सड़कों पे लोग थे, सेना सामने आ चुकी थी, एंड जार एडिक्टेड द पावर, एडिक्टेड मतलब अपना पद छोड़ देता है।
विद द इन्फ्लुएंस ऑफ मार्क्स एंड एंजल, यानी कि ये सब कुछ होता है रूस की क्रांति में, रशियन रेवोल्यूशन में। अब लेनिन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि लेनिन वॉज इन्फ्लुएंस्ड विद द आइडियाज ऑफ मार्क्स, कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स, एंड लेनिन पुट ऑल दीज थॉट्स इन टू द प्रैक्टिस वेन ही केम इन टू द पावर। जब वो पावर में आता तो वो सभी जो आइडियाज थे वो प्रैक्टिस में लेकर के आता है। ही ट्राई टू एस्टेब्लिश द इक्वालिटी इन द सोसाइटी, सोसाइटी में इक्वालिटी लाने की कोशिश करता है। लेनिन वॉज ए कम्युनिस्ट रेवोल्यूशनरी थे, पॉलिटिशियंस एंड ए पोलिटिकल थिंकर। ही वॉज द हेड ऑफ द सोवियत रशिया फ्रॉम 1917 टू 1924 एंड सोवियत यूनियन गवर्नमेंट फ्रॉम 1922 टू 1924 के बीच में वो सरकार के भी मुखिया रहे हैं। तो लेनिन वॉज ए ग्रेट लीडर एंड ही प्लेड वेरी क्रूशियल रोल इन द रशियन रेवोल्यूशन। नाउ लेट्स डू डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन आंसर। फोर क्वेश्चन आर गिवन, ऑल आर टू इजी। फर्स्ट वन, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द फर्स्ट पेरिस कम्यून। फर्स्ट पेरिस कम्यून की इम्पोर्टेंस क्या थी? पेरिस कम्यून मोटिवेटेड द सोशलिस्ट टू फॉर्म ए सोशलिस्ट गवर्नमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। पेरिस कम्यून है दैट इंस्पायर द सोशलिस्ट टू फॉर्म ए सोशलिस्ट गवर्नमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि पूरे विश्व में सोशलिस्ट सरकार बनाने के लिए मोटिवेट किया था पेरिस कम्यून ने। सेकेंड क्वेश्चन इज देयर, विच पोलिटिकल चेंजेस डिड अपियर इन रशिया आफ्टर 1905। दो चेंजेस आए थे। फर्स्ट, आफ्टर द 1905 रेवोल्यूशन ड्यूमा वॉज एस्टेब्लिश्ड। ड्यूमा है रशियन पार्लियामेंट। एंड सेकेंड, पीपल वर गिवन राइट टू वोट। सेकेंड चेंज था, लोगों को वोट डालने का अधिकार मिला। थर्ड क्वेश्चन इज देयर, व्हाट वर द डिसएग्रीमेंट बिटवीन बोल्शेविक्स एंड मेनशेविक के बीच में डिसएग्रीमेंट क्या था? बोल्शेविक बिलीव्ड इन द नेसेसिटी ऑफ ए रेवोल्यूशन, वाइल मेनशेविक्स वर इन द फेवर ऑफ ग्रेजुअल पोलिटिकल रिफॉर्म्स एंड पार्टिसिपेटिंग इन पार्लियामेंट्री सिस्टम। ये उनमें मेन बेसिक डिफरेंस था। बोल्शेविक क्रांति चाहते थे और मेनशेविक शांति चाहते थे। फोर्थ वन इज देयर, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ लेनिन इन द रशियन रेवोल्यूशन। लेनिन का क्या योगदान था? लेनिन प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द रशियन रेवोल्यूशन। फर्स्ट, ही वॉज द लीडर ऑफ बोल्शेविक इन द रशियन रेवोल्यूशन 1917। सेकेंड, अंडर हिज लीडरशिप द रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड रेडिकल लैंड फॉर्म्स। भूमि सुधार जो रशिया में हुआ था वो भी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था एंड ट्रांसफॉर्म द कंट्री इन टू सोशलिस्ट स्टेट, और रशिया को सोशलिस्ट कंट्री भी उन्होंने ही बनाया था। थर्ड, ही लेड द बोल्शेविक टू विक्ट्री इन द रशियन सिविल वॉर फ्रॉम 1917 टू 1922 के बीच में सिविल वॉर चलता है बिटवीन बोल्शेविक एंड मेनशेविक, एंड ही लेड टू विक्ट्री। विक्ट्री के लिए लेके जाते हैं बोल्शेविक को अपनी लीडरशिप में। फोर्थ वन, ही इंट्रोड्यूस द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी विच वॉज अ मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम विद अ लीडिंग रोल फॉर द स्टेट। उसने एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वो लेके आते हैं जो आज का हम रशिया देखते हैं। दैट वॉज ड्यू टू दैट न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। फिफ्थ, द गवर्नमेंट नेशनलाइज्ड ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन टू इंक्रीज द इंडस्ट्रियलाइजेशन। हिज गवर्नमेंट अंडर हिज लीडरशिप गवर्नमेंट नेशनलाइज्ड ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, सभी कारखाने सब कुछ किसके नियंत्रण में आ गए? सरकार के नियंत्रण में। सो ही डिड ए लॉट फॉर द रशिया एंड ही प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रशियन रेवोल्यूशन टू। दैट्स ऑल इन दिस वर्कशीट। अगर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए हिंदी मीडियम में, वो वर्कशीट भी इसी चैनल के ऊपर अवेलेबल है। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।